अस्सलाम वालेकुम। टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन पाकिस्तान, और हमने डिस्कस करना है कि टूरिज्म को पढ़ना क्यों जरूरी है और ये किसी मुल्क के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ग्रेजुअली एंड पे हम एक एनालिसिस करेंगे, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन के लिए कि टूरिज्म होता क्या है। तो ये मतलब इसके लिए मैंने कुछ बातें बताई थी कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इवेंचुअली लीड करती है फॉर मनी जनरेशन, ठीक है ना। मनी जेनरेशन जिससे क्या होता है, जिससे जो है वो जॉब्स क्रिएट होती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, और जो मनी का या पैसे का कैपिटल, इसको भी कह सकते हैं पैसे का, ठीक है, जो कैपिटल इन्फ्लक्स है, ठीक है ना, वो विद इन द कंट्री आना शुरू होता है। अब ये एक छोटी सी चीज नहीं है टूरिज्म, ठीक है ना। एक तरह से इसको आप टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कहते हैं, और ऑन द मेजर स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि दुनिया में आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की जो है वो स्केल्स बनी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उसके अंदर जो टूरिज्म का रेवेन्यू है वो 10वें नंबर पर है, ठीक है। उसके अंदर जो टूरिज्म का रेवेन्यू है वो 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो ये इसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर हम अपने खित्ते में इसका जायजा लें, अब अमेरिका है ना, तो वो जनरेट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स करता है ऑन द बेस, एटलीस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। डायरेक्टली तो 500 बिलियन कहीं नहीं गया इसका, 500 बिलियन। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर है, इससे ज्यादा अमेरिका अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से कमा लेता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा अमेरिका अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से निकाल लेता है। अब अगर आप कंपैरिजन करें किसके साथ, इसको अपने साउथ एशियन रीजन के साथ, तो पाकिस्तान काफी पीछे रह करता है। इंडिया जो है उसका रेवेन्यू जो टूरिज्म का है वो तकरीबन 250 बिलियन US डॉलर्स है, और जो पाकिस्तान है उसका रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 8 बिलियन US डॉलर है। हालांकि जो प्लस है पाकिस्तान के बारे में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बड़ा डाइवर्स है पाकिस्तान, ठीक है ना, डाइवर्स है हर तरह की, मतलब ये कि स्पेसिफिकली जो डिफरेंट चीज है पाकिस्तान की, वो इसका कोल्ड डेजर्ट है, भावरपुर वाला, स्कर्दू वाला, सॉरी, ठीक है, स्कर्दू वाला, और इसके अलावा भावलपुर वाला डेजर्ट, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल भी होती है। इसके अलावा जो उसके जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना, माउंटेन रेंजेस वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मशहूर है, पासिस, ठीक है ना, हिस्ट्री, ठीक है, असल जो हिस्ट्री है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, टेक्सिला, और इसी इसी तरह के जो दूसरे सिटीज हैं वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के अंदर वाकया है। तो एक छोटा सा इससे हमें रिजल्ट निकला, जो हमने भी छोटा बहुत एनालिसिस किया है, कि पाकिस्तान नीड्स टू डिवेलप इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है ना, टूरिज्म इंडस्ट्री। अभी तो पाकिस्तान में वो टूरिज्म है जो कि मतलब ये कि सुनी सुनाई बातों के तौर पर चल रहा है। हकूमत या गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए उस तरह से एफर्ट्स नहीं करती या सपोर्ट टूरिज्म को नहीं करती कि ये एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो। तो जी, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में इस टॉपिक में जानें, और उसके साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि टूरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें डिवेलप क्यों करना चाहिए, प्लस और नेगेटिव इसके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बुक की तरफ आते हैं। मेन पर्पजेज फर्स्ट हेडिंग है, पहला है जी रिसर्च एंड फैक्ट फाइंडिंग। रिसर्च और फैक्ट फाइंडिंग बेसिक सी चीज है जो टूरिज्म का मतलब ये कि बेसिस बन सकती है, मेन पर्पस इसके अंदर इसका आ सकता है, सर्व करती है। दूसरा है अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। थर्ड है रिक्रिएशन, ठीक है। तो जब हम टूरिज्म का जिक्र करते हैं ना, तो हम एक चीज को टारगेट करते हैं रिक्रिएशन में। यहाँ पर देखो रिक्रिएशन एंड पर आता है, ठीक है। कहीं पे भी जो आपको, अगर कभी आप यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे ना रिक्रिएशनल टूर के लिए, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये एप्लीकेशन में लिखेंगे कि हमने जो है वो रिसर्च या फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना है, ठीक है, बेशक आप एनवायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप कहते हैं कि जी मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मैंने जो है वो नॉर्दर्न एरियाज घूमने हैं और देखना है कि वहां पे आजकल कौन सी डिजीज कॉमन है, ये और बात है कि आप वहां पे जाके ये काम ना करें, तब आपकी फॉरन एप्लीकेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो जो भी उसको डील कर रहा होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो
जो थर्ड पर्पज होता है वो रिक्रिएशन होता है टूरिज्म का, रिसर्च एंड फैक्ट फाइंडिंग। इसमें मतलब ये कि डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड कि आप रिसर्च क्या कर रहे हैं और फैक्ट फाइंडिंग क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी रिसर्च फिशरीज के अंदर हो सकता है कि आपकी रिसर्च ह्यूमन के ऊपर हो, बर्ड्स के ऊपर हो, जियोग्राफी के ऊपर हो, माउंटेन्स के ऊपर हो, किसी ना किसी तरह से ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारी जिंदगी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, अटैच रहेंगे। तो अल्टीमेट जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि आप नॉलेज हासिल करने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ये इस टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में या टूरिज्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो इसके बाद जो पाकिस्तान में ऐसी चीजें हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, ठीक है, तो जब ये चीजें मौजूद हों तो वो बन जाती हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन। उसमें अब मतलब ये कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो आ जाती हैं। पहला या जी आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल ट्रेयर, ठीक है। अब ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेयर पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक तरह से ट्रेयर के तौर पर काम करती हैं, खजाने के तौर पर काम करती हैं, जो कि लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो दूसरा है जी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अब बाबा गुरु नानक या फिर ये जो गुरुद्वारा गुरदासपुर, ठीक है, इनकी जो एफिलिएशन है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा है, तो एक पूरे का पूरा मजहब उनके साथ अटैच है। तो हमें ये हमने क्या किया है, उसको डेवलप किया है और हमें ना सिर्फ एक मुल्क में एक तरह से अपने इंटरेस्ट में एक सोसाइटी को मतलब ये कि अट्रैक्ट करने की, उसमें पॉलिटिकल एम्बिशन भी हो सकते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म की ढेर सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। बहरहाल रेवेन्यू उससे जनरेट होता है, तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बन गई। जैसे हमारा मक्का और मदीना, हम तो उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं समझते, लेकिन जब कोई इंटरनेशनल लेवल पे सब्जेक्ट उसको क्लियर करेगा जो मुसलमान हो तो ज़्यादा टूरिज्म के सर्वे में उसे लेके आएगा, क्योंकि मैंने जो पहले पेज पे टूरिस्ट की डेफिनेशन लिखी थी उसमें तकरीबन आ जाता है लोग जाते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है और पूरी की पूरी उनकी जो इकोनॉमी है वो उससे बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा जी, उसके बाद जी हेल्थ एंड रिक्रिएशन रिसोर्ट्स, हेल्थ एंड रिक्रिएशन रिसोर्ट्स, ये चीजें डेवलप। अच्छा, अब आज तक मैं जितने एरियाज घूमा हूं ना, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर तो आपको मिल गया, ये क्या करना है आपने, सिंपली प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट एंड हील, उसको मैनेज करना है उसमें मतलब ये कि, और दूसरा जी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है, आपको मिल गई, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है ना, उस पर पैसा सैसा लगाना है, लेकिन जो उसकी हेल्थ और रिक्रिएशन है ये आपने उस पर इन्वेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। प्रोटेक्ट और प्रिजर्व थोड़ा बहुत होता है ना, जब आप रिक्रिएशन रिसॉर्ट्स लगाते हो तो आप जीरो से एक चीज को बिल्ड करते हो, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर रोहतास की आप एग्जाम्पल ले, ज्यादा दूर नहीं जाते, ठीक है ना, रोहतास की एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोहतास की एग्जाम्पल लें तो इससे आपको पता चलता है रोहतास फोर्ट के आपने एक बहुत बड़ी पार्किंग बनाई, ठीक है ना, ये आपने क्या किया, ये थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद वहां पे होटल्स जो है वो बनवाए, रिजॉर्ट्स बनवाए, फवारे शारे लगा दिए, ठीक है, वहां पे एक वाटर बॉडी बना दी लेक टाइप जिसमें बोटिंग शूटिंग कर सकें लोग, ठीक, और एक लैंडस्केप वेजिटेशन से भरी हुई बना दी जिससे वहां पे पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन ये काम किए नहीं गए। पार्किंग भी है लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि आप उसे पार्किंग कहें, बस लोग आते हैं जहाँ जगह मिले गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उनसे बहुत ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। होटल्स तो नहीं है, रिजॉर्ट्स का तो नाम ही नहीं है, हालांकि पोटेंशियल उसका बहुत ज्यादा है रोहतास के अंदर। तो इसे हमें समझ ही लगती है कि जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, ठीक है, हालांकि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, तो इसको मतलब ये कि इंटरनेशनल बॉडीज की तरफ से फंडिंग भी मिलती है, ठीक है, तो वो पैसा पता नहीं किधर जाता है, तक नहीं पता चलता है कि पाकिस्तान वाला पैसा जो है वो कितना लगता है और कितना कहीं पर जाता है। तो जो है इसी एक और एग्जांपल जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं इसी से रिलेटेड, वो एग्जाम्पल है इसकी जो, अच्छा ये तो हमने आपको मिसाल दिया ना कि जो कि सही तरह से डेवलप नहीं है, ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जो कि अच्छी तरह से डेवलप किया, वो उन्होंने किया है खुशाब वादी सोन का एरिया, ठीक है ना, वादी सोन, ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ढेर सारी लेक्स हैं, ठीक है ना, और लेक्स हैं, फिर गार्डन्स हैं, फिर रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है ना, ये इन्होंने क्या किया है, इस पर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और एक तरह से क्रिएट किया है उन्होंने, रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, ये जो ऊपर मैंने चीजें लिखी है ना ये सारी यहाँ पर मौजूद है, एक तरह से क्रिएट किया है टूरिस्ट पॉइंट क्रिएट किया है। तो ये वादी सोन की एक एग्जांपल है कि किस तरह से जो है वो लोगों क्रिएट किया गया है
जिसकी वजह से टूरिज्म लोग वहां पर आना जाना शुरू हो गए हैं, और जिन लोगों को नहीं पता। अभी रिसेंटली कल की न्यूज है कि सिंध के अंदर उन्होंने ना कुछ एक ठेकेदार को ठेका दे दिया। ठेकेदार साहब ने क्या किया, जितने भी थे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स थे कि सिंध की जितनी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको आपने रिस्टोर करना है, ठीक है ना, सिंध की जितनी हिस्टोरिकल पॉइंट है उन साइट्स हैं उनको आपने रिस्टोर करना है। उसने रिस्टोर क्या किया, उसने सबके ऊपर जो है वो चिट्टा सीमेंट फेर दिया। तो जितनी भी कैलीग्राफी थी, ठीक है ना, अब उसमें ये अट्रैक्शन वाली चीजों में आती है ना चीजें, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी कैलीग्राफी थी या फिर रिलीजियस सिंबल्स थे या फिर मॉन्यूमेंट्स थे या फिर किसी भी किस्म की जो थी वो डिस्क्रिप्शन थी, कोई भी जो था वो टेक्स्ट वहां पर मौजूद था, उस सब को उसने क्या किया है जी, वाइट सीमेंट कर दिया। तो वो ये क्या किया है सिंध गवर्नमेंट ने, जी हमने ठेकेदार को ठेका दे दिया है, वो हमारी सारी पुरानी आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं उनको क्या करेगा, उनको रिस्टोर करेगा। उसने रिस्टोरेशन के तौर पर उसका सत्यानाश मार के रख दिया है। तो ये जी हमारे मुल्क में इस तरह से उसको टैकल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नॉर्दर्न पार्ट्स की, ठीक है ना, ये बात हुई थी कि ये क्या है जी, ये स्नो कैप्ड है, स्नो कैप्ड है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। और नवंबर टू फरवरी ये ओपन होते हैं, ठीक है, ये मतलब बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी होती है इसलिए, लेकिन बाद में ये दोबारा खुल जाते हैं, ठीक है, खुल जाते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, आगे पीछे जाते हैं इसकी वजह से। अच्छा, अगर हम मजीद बात, ये जितनी भी हमने बात की है ना, अगर हम यहाँ पे मैप पर देखें, आपके सामने आ रहा होगा, तो बात हमने की है ये नॉर्दर्न एरियाज की, इस्लामाबाद से ऊपर जो है, ठीक है, इस वाले समझ लग रही है ना। ये देखो कल हमने जिक्र किया था नारान का, नारान जो है वो यूजली जिन महीनों का मैंने जिक्र किया है, नवंबर टू फरवरी बिल्कुल बंद होता है, वैसे बंद तो जल्दी हो जाता है लेकिन और खुलता भी लेट है, ये नहीं कि फरवरी में खुल जाए, खुलता भी लेट है। तो बात ये है कि ये नॉर्दर्न एरियाज क्लोज हो जाते हैं, समझ भी लगी होगी लोकेशन में कि ये कहाँ पर है, ये आपका इस्लामाबाद है और इससे ऊपर ये मुजफ्फराबाद, ये नारान और इससे ऊपर वाले एरियाज की बात कर रहे हैं। हेल रिजॉर्ट से रिलेटेड हमने बात की थी और बात टारगेट हमने किया कि इसको था केपीके एंड पंजाब को, कि पंजाब और केपीके में जो है वो हिल रिजॉर्ट्स हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत सारा इशू भी है, यूजुअली कहा जाता है कि जी बच्चों को समझ नहीं होती, ये जो मरी एंड पैट्रियाटा ये एरिया है ना, ये सारा पंजाब के अंदर आता है। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि ये जैसे पंजाब के अंदर नहीं आता, ये देखो ये इस्लामाबाद से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएं, थोड़ा सा आगे जाके आपको मरी नजर आना शुरू हो गया है। पहले हमने ऊपर नॉर्दर्न एरियाज पढ़े हैं, फिर हम यहाँ पर आ गए हैं मरी वगैरह, और ये अयूबिया नथिया गली, ठीक है, ये मरी से इर्द गिर्द उसने बुक के अंदर जो वर्ड यूज किया वो कहते हैं कि 6 to मतलब जो हिल रिजॉर्ट्स हैं वो सबसे पहले उसने उसके बारे में के होते क्या है, ये 6 to 8,000 फीट हाई होते हैं, 6 to 8,000 हीट फीट हाई जो होते हैं वो हिल रिजॉर्ट होते हैं। अच्छा, अब मली और पैट्रियाटा के जो राउंड अबाउट 60 to 70 किलोमीटर है, ठीक है ना, अराउंड 60 to 70 किलोमीटर का जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये अयूबिया नथिया गली, ठीक है ना, और ये सारे एरियाज हानपुर हानसपुर वगैरह ये सारे एरियाज यहाँ पर आते हैं। वो हवेलियां भी बड़ा अच्छा मकाम है लेकिन वो काफी दूर है इससे, लेकिन ये 60-70 किलोमीटर पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको चीजें आज जल्दी जल्दी से रिवाइज कराऊंगा। फिर हम गए थे वैलीज की तरफ, ठीक है, जैसे मैंने आपको झेलम की ये भी मतलब वैली है, झेलम भी वैली है, वैलीज में हम देखा तो हमने बोला था कागान एंड सवात, कागान एंड सवात, और मैंने बताया था कागान पहले आती है बाद में नारान आती है, ठीक है ना, नारान बाद में आती है। नारान के अंदर झील सैफुल मलूक है, लेक सैफुल मलूक है, लेक सैफुल मलूक बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के एतबार से भी। तो यहाँ पर हम मरी वगैरह में मौजूद थे, मरी अयूबिया नथिया गली वगैरह, तो हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो ये देखो नारान आ गया, ये झील सैफुल मलूक उसने लेबल करके भी बताई हुई है कि ये झील सैफुल मलूक है। अगर हम इसके फर्दर वेस्ट की तरफ जाएं तो आपको जो है वो दूसरी सवात वैली भी नजर आएगी, ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है वैलीज के पर्सपेक्टिव से। ये सिर्फ थोड़ी सी मतलब ये कि इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई हैं, वैलीज भी बहुत ज्यादा है छोटी बड़ी और बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर में चीजें हैं सिर्फ वही बताई जाएंगी। बाकी सवात मालम जब्बा ये वो कलाम आप देख सकते हैं, ये नारान के बिल्कुल अपोजिट जो है वो यहाँ पर वेस्ट साइड पर जो है वो कलाम वगैरह भी मौजूद है, ये कलाम है, ठीक है, और ये चित्राल और ये बाकी एरियाज इधर आते हैं। बहरहाल वैलीज की उसने बात की थी, फिर उसने फोर्थ बात की थी जो एक ट्रैवलर
और हिस्ट्री होती है, ठीक है ना, वो उसके बड़ा अट्रैक्ट करता है, जो ट्रैवलर हिस्ट्री से इंटरेस्टेड हो ना वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। तोरखम की जो सरपेंटाइन रोड है, ठीक है ना, जो तोरखम बॉर्डर के साथ, तोरखम के साथ सरपेंटाइन रोड है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है, इन लोगों को टूरिज्म परस्पेक्टिव से, ठीक है। ये देखो मरी है ना, मरी की सीध में वेस्ट की तरफ जाओगे तो ये तोरखम पास है, जलालाबाद और काबुल तो अफगानिस्तान से जितने भी इन्वेडर्स हैं वो इसी रोड से आए हैं, यहाँ पर सरपेंटाइन रोड है, ये लांडी कोटल से आगे आगे, तो फिर पेशावर आता है और उसके बाद टेक्सला, फिर इस्लामाबाद। तो ये अभी की बात नहीं है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट और उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े जो फातेहान जो है वो यहाँ से गुजरे हैं, कॉन्करर्स गुजरे हैं, वो सब इस रोड को यूज करते गए हैं। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो बड़ा अट्रैक्ट करता है उसको कि यार इसकी में हिस्ट्री ऐसी मिले ली। एक आपके पास है हैबर पास, हैबर पास नाम से जाहिर है कि हैबर से रिलेटेड है, तो हैबर पास यहाँ पर ये तुरखम बॉर्डर के ऊपर ये वाला जो के रास्ता देता है कहाँ तक, आपको पेशावर से इस्लामाबाद, पिंडी और इवेंचुअली लाहौर तक, ठीक है, लाहौर से दिल्ली तक, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इन्वेडर आता था ना वो इसी रास्ते को यूज करता था। मजे की बात ये, मोहम्मद बिन कासम साउथ से आया था, मोहम्मद बिन कासम साहब जो थे वो इधर से आए थे, इधर, ठीक है, मकरान वाली साइड से, वो इधर सदरन साइड से आए थे। लेकिन आम तौर पर क्योंकि सी ट्रेड थी ना अरब्स, उसमें सी ट्रेड की वजह से जो राजा दाहर के थे, से क्या कहते हैं, पायरेट्स थे, वो उन्होंने ट्रेड डिस्टर्ब कर दी, तो मोहम्मद बिन कासम राजा दाहर को कहा कि ठीक करो, उसने नहीं ठीक की, तो फिर मोहम्मद बिन कासम को भेज के वो चीजें करेक्ट करने के। लेकिन यूजली बड़े बड़े ट्रैवलर्स के नाम आपको लिखा, मतलब ये कि कॉन्करर्स के नाम बताए गए हैं जिनके अंदर ये याद रखने हैं, ठीक है ना, स्किथियंस सबसे पहले, आर्यन सबसे पहले, उसके बाद जो इंडियंस थे इन्होंने जो था वो एंशियंट इंडिजिनियस इंडियंस को आके गुलाम बनाया, जो कि आर्यंस मौजूद अपने आप को जो मौजूदा हिंदूज हैं वो अपने, और हिंदूज के अंदर से पता है ना कास्ट सिस्टम है। मजे की बात ये है कि गांधी कास्ट सिस्टम पर यकीन रखता था, कास्ट सिस्टम बड़ी खतरनाक चीज है, इसी वजह से अफ्रीका के अंदर जो अभी एंटी रेसिस्ट तहरीकें चल रही हैं उसमें गांधी के मुजस्मे वो तोड़ना शुरू हो गए हैं कि यार ये मतलब ये कि रेसिज्म रेसिस्ट बन रहा था। हालांकि बहरहाल बड़ी अजीब सी कंट्रोवर्शियल सी पर्सनैलिटीज हैं। बात हम कर रहे थे कि जो इंडिजिनियस हिंदूज थे, आर्यंस ने आके उन्हें बनाया, स्किथियंस ने कोशिश की इंडिया फतह करने की, पैराथियंस ने कोशिश की, ग्रीक्स ने कोशिश की, बैक्ट्रियंस ने कोशिश की, कुशांस ने कोशिश की, हंस ने कोशिश की, टर्क्स ने कोशिश की, मंगोल्स ने कोशिश की, लेकिन मजे की बात यह है कि जो सक्सेसफुल रहे थे वो अरब्स रहे थे। अरब्स यहाँ पे इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि मैंने बताया था कि वो सदरन रूट से आए थे। तो हम अभी बात करें हैबर पास की, तुरखम बॉर्डर की, तुरखम की सरपंटाइन रोड्स की, तो इसलिए हम अरब्स का जिक्र नहीं करें। सक्सेसफुली इन लोगों में से अगर किसी ने इंडिया को कॉन्कर किया था वो आर्यंस ने किया था, और इसके अलावा मुस्लिम्स ने किया था, मंगोल्स आप कह सकते हैं, मंगोल्स तो नहीं किया था, मुगल्स ने कह सकते हैं, मुगल्स ने किया था सक्सेसफुली इंडिया को कॉन्करर। तो ये इससे ट्रैवलर हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट था इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं जी पेशावर की तरफ। पेशावर देख लो एक दफा दोबारा जियोग्राफी में, इस्लामाबाद से जो है वो ऊपर मरी है, और ये वो एरियाज फिर हम कलाम की तरफ गए थे और सवात की तरफ गए थे, वहां से हम वापस आते आते इधर तोरखम की तरफ आए थे। अब हम देखो जलालाबाद से, अफगानिस्तान से तोरखम, हैबर पास से होते हुए पेशावर आए हैं। पेशावर रास्ते में है, जो भी इन्वेडर आएगा वो पेशावर से जरूर गुजर के जाएगा, तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पेशावर इंपॉर्टेंट हो ही गया। तो इसमें कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है पेशावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाला हिसार फोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पेशावर की मशहूर चीजें जो कि पूरी पाकिस्तान में या फिर कम से कम साउथ एशिया में, वो यूटेंसिल्स हो गए, वेस्ट कोट्स हो गए, सैंडल्स जो इमरान खान की चप्पल ये वो उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, ग्लास वर्क, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप फूड देखें तो पेशावर्स का बहुत ज्यादा मशहूर है, स्पेशली वो मीट आमतौर पर वो लोग खाते हैं, धुंबे का गोश्त हमारे यहाँ बकरे का खाया जाता है, लेकिन चपली कबाब तो मतलब ऐसे ही चपली कबाब कह दिया है ना, चपली कबाब के अलावा भी उनकी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ आपको कराने के लिए। बाजार में इसमें से देखो तो एक बाजार का जिक्र किया है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, और वो है किस्सा हानी बाजार, ठीक है, किस्सा हानी बाजार, ये पेशावर का एक बड़ा मशहूर बाजार है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो ये पेशावर है जी, इसके अंदर ही किस्सा हानी बाजार है, इस्लामाबाद से देख सकते हैं आप ये कितना दूर है, अभी भी हम नजर एरियाज की तरफ नहीं है। अलग से उसने बात की है ग्रीक कॉन्करर की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना, अब जो आपका रिवर इंडस है, ठीक है ना, रिवर इंडस, ये देखो कहां से आ रहा है, ये जितने भी है ना इवेंचुअली रिवर्स, ये घूम के जो है वो सिंध में गिरते हैं, घूम फिर के सिंध में गिरते हैं, तो इवेंचुअली ये यहां पर बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ और यहाँ से मियां वाली के पास पास जो है वो एक रिवर आता है जिसे आप कहते हैं रिवर
इंडस, शायद यहाँ पे ब्लू कलर में आपको नजर आए, ये देखो इंडस नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। तो इंडस रिवर से जाहिर है पेशावर से एंटर हुआ या कोई भी हुआ, इंडस उस वक्त डिफरेंट तरह से जो है वो चलता था। तो अटक ब्रिज से गुजर कर जो था वो आप किधर गए, टैक्सिला, ठीक है, जो कि इस्लामाबाद से ओनली 16 किलोमीटर दूर है, 16 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद। ये देखो ये तुरहम बॉर्डर, यहां से एंटर हो, ये आपके पास आ गया रिवर इंडस, और रास्ते में आपको ये अटक पड़ा, ये अटक देखो, ये रिवर इंडस है ना, अटक आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जैसे अटक ब्रिज है, अटक ब्रिज आप क्रॉस किया उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, और फिर ये अटक आ गया, और उसके बाद टैक्सला, टैक्सला एक बड़ा रिच और इंपॉर्टेंट सिटी था, एक पूरी पूरी सिविलाइजेशन यहाँ पर बसती थी किसी दौर में, और ये इस्लामाबाद से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, कभी टाइम मिले इस्लामाबाद से तो उधर जाके इसको एक दफा जरूर देखें। तो इसको जो ब्रिटिश टैक्सला को रूल करता था ना, वो रूल करता था बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट रूलर अशोका, ठीक है ना, अशोका रूल करता था इसको उस जो है वो किसी दौर में, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अगर हम सेपरेटली अगर पेशावर सिटी की बात करें तो ये केपीके का हेड क्वार्टर है। अब मजीद हम आते हैं पंजाब के अंदर, पेशावर से पंजाब में आ जाते हैं, एक सकेसर वैली जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, वादी सोन, ठीक है, ये भी मैंने कहा था कि जी या सोन वैली, सोन वैली भी कह सकते हैं, वादी सोन भी कह सकते हैं, सोन वैली भी कह सकते हैं, जो मर्जी के, ये इसकी तरफ उसने बात की है कि ये खुशाब के अंदर है, खुशाब के अंदर है, आपके काफी करीब है। और अगर आप अपने साउथ की तरफ जाएं ना, मतलब ये कि झेलम से साउथ की तरफ जाएं, वो आपको एक तो है ना कि आप देखने के लिए मरी जाते हैं अच्छी चीजें, ठीक है, दूसरा आप साउथ की तरफ भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है एक डिस्ट्रिक्ट खुशाब, ये आपका डिस्ट्रिक्ट खुशाब है, ये झेलम है, ठीक है, ये इस्लामाबाद है, झेलम इस्लामाबाद, और ये खुशाब, ठीक हो गया, खुशाब ये है। तो यहां से आप साउथ की तरफ जाएं तो ये सकेसर वैली है, यहाँ पर ढेर सारी छोटी छोटी झीलें हैं, ठीक है, जो कि देखने के लिए अच्छी हैं, और कलर कहार भी यहाँ पर मौजूद है, कलर कहार ये मैप में स्टार के साथ उसने बताया हुआ है, और कलर कहार के बिल्कुल सीध में ये सकेसर आप देख सकते हैं, कलर कहार जिसको कहते हैं आप वैली ऑफ पीकॉक्स, वैली ऑफ पी कॉक्स। अब पी कॉक्स तो यहाँ पर नहीं रहे, पी कॉक तो सारे के सारे आपको मिलेंगे ये इधर आपको सदरन पंजाब में, ये भावलपुर वाली साइड पे, यहाँ पर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कि इसको वैली ऑफ पी कॉक कहते हैं, कलर कहार को, जो कि चकवाल के साथ और इधर वाकया है, ठीक है, तो ये स्टार लगा हुआ है कलर कहार का, और ये चकवाल है, और ये आपका झेलम है। उम्मीद करता हूँ समझ लग रही होगी नक्शे के साथ साथ। आ जाएं जी सिंध के अंदर, सिंध के अंदर भी आप आ जाएं कराची के अंदर, ठीक है, ये एमसीक्यूज याद रखने हैं सारे जितने मैं लिख रहा हूँ सामने। इसके अंदर जो देखने की जगह है ना वो है बीच के परस्पेक्टिव से, बीच तो इंपॉर्टेंट हो ही गई, अगर ब्रिज के भी देखो तो एक है क्लिफ्टन, दूसरा है हॉक्स बे, और उसके अलावा अगर आप जिक्र करना चाहें तो वो एक आइलैंड है, उसे कहते हैं मनोरा आइलैंड, ठीक है, मनोरा आइलैंड। ये देखने की कुछ चीजें हैं कराची से रिलेटेड। अगर मजीद आप सिंध के अंदर जाएं तो कुछ लेक्स हैं, लेक्स, अब इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इनमें मंचर लेक एंड हलीजी लेक्स। तो मजा घूमने का ये विंटर में ही आता है, क्योंकि वैसे तो बहुत गर्मी होती है वहां पर, तो विंटर में अगर कभी प्लान बने तो विंटर में यहाँ पर जाएं। तो यहाँ पे हम मौजूद थे, अब हम मजीद जाएंगे नीचे सिंध की तरफ। तो देखो पंजाब सारा क्रॉस किया, हम पहुंच गए सिंध, ये लड़का ना जहाँ पे भुट्टो भी जिंदा है, बाकी पूरे सिंध में जिंदा है, कराची पे आए। कराची की हमने देखो जिक्र किया है, एक तो पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच है यहाँ पे, और भी ढेर सारी जो है वो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम देखें कि और इसमें कौन सी चीजें हैं, तो आपको समझ लगेगी कि यहाँ पर जो है वो एक मिनट ठहर जाएं, अच्छा डिफरेंट मंचर और हलीजी लेक्स वो इधर पास ही हैं, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद लेबल नहीं है हुई हुई, ये वाली दो लेक्स मंचर और खलीची लेक्स हैं मेरे ख्याल में, बहरहाल वो भी सिंध के अंदर ही है जी लेक्स। आगे चलते हैं बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान की बारी आ गई है जी। बलोचिस्तान के अंदर जो जियारत का मकाम है वो बड़ा मशहूर है, सेहत अफजा मकान है, कदम स्पेंड द लास्ट डे ऑफ हिज लास्ट डेज हियर ऑफ लाइफ, यहाँ पर उन्हें भेजा था कि शायद में भी वो इम्प्रूव हो जाए। इसके अलावा क्वेटा एक हिस्टोरिकल सिटी है, और लेक्स के एतबार से देखें तो खाना लेक,
हाना लेक देखने की लेक है, जो कि अच्छा जो इसके पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं या वो ड्राई हैं, ठीक है, उनके ऊपर वेजिटेशन नहीं होती, बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको दिखाना भूल गया था, बलूचिस्तान के अंदर जो आपका जियारत है, ठीक है ना, ये देखो, ये क्वेटा से दूर ये जियारत है, ये वाला जो पॉइंट है ये जियारत जो है वो इसे जियारत कहते हैं, और हाना लेक भी इधर ही है लेकिन लेबल नहीं की गई है। तो उसे ढूंढने के बजाय हम आगे चलते हैं। केटू की बात वो कर रहा है, फिर नदरन एरियाज में आ गया, तो हम वापस नदरन एरियाज वाला खोल लेते हैं, शुरू पे चलते हैं, इसने इर्द गिर्द घुमाया हुआ है सबको, तो नदरन एरियाज में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगी जी K2। K2 को K2 क्यों कहते हैं, क्योंकि K का मतलब है कोराकरम। तो जब इसको फर्स्ट टाइम उन्होंने दिखाया था तो एज ए कराकरम माउंटेन जो थी वो वहां पर शो हो रही थी, ठीक है ना, कराकरम माउंटेन। तो इसका K2 मीन्स कराकरम 2, K2 जिसने इसको शो किया था मैप में गोरे ने, तो उसने K2 ही वर्ड यूज किया था उसके बाद इसका। तो ये जी सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, और मोस्ट डिफिकल्ट इन क्लाइंबिंग। डिफिकल्ट इतनी है क्लाइंबिंग के लिए कि माउंट एवरेस्ट ईजी है, बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट में, ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट क्लियर करते हैं एज कम्पेयर टू K2, ठीक है, एज कम्पेयर टू K2 ज्यादा लोग कौन सी कवर करते हैं, माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है उसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो ये देखो बड़ी ऊंची ऊंची पीक्स हैं, ये 7785 मीटर, 7788 पीछे राकापोशी, और यहाँ पर आ जाओ ये बिल्कुल K2 आपको 8611 मीटर्स। तो इसकी हाइट भी याद रखनी है, 8611 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। K2 किसने बात की है, फिर वो चित्राल की तरफ आ गया है, चित्राल, चित्राल हमें, हम भी चित्राल ही भी चलेंगे कि चित्राल में जो है वो क्या क्या है। ये जी चित्राल एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जो है वो आपको मिलेगा, वेस्ट की तरफ यहाँ पर बंभोरिया, रंभूर, बिरिरी, ये एक खास इलाका है जिसे कहते हैं आप काफ्रिस्तान, काफ्रिस्तान उसे कहते हैं, और आपकी बुक में काफिर्स ऑफ कलाश के नाम से वर्डिंग जो है वो यूज की गई है, काफिर्स ऑफ कलाश या काफ्रिस्तान इसको बोला जाता है। इनकी मतलब ये कि कल्चर अजीब सा है, ये ग्रीक से आए हैं, ग्रीक्स में से हैं, और अपनी इनके टोटली मुसलमानों या हिंदुओं या बुद्धि से बिलीव्स डिफरेंट है, इन्होंने अपना जो कल्चर था उसको प्रिजर्व रखा हुआ है। तो हुंजाकट्स उसके बाद आते हैं, हुंजा के लोग ये लॉन्गजेविटी की वजह से जाने जाते हैं, इनकी उम्रें बड़ी ज्यादा होती हैं, ठीक है ना, हुंजा के लोगों की उम्रें बड़ी ज्यादा होती हैं। तो जी हुंजा भी नदरन एरियाज की में, उसके बाद हम आपकी बुक में डिस्कस किया गया है कराकुरम हार में, और रिवाइविंग ओल्ड सिल्क रोड के, ये जो कराकुरम हाईवे है ना, ठीक है ना, ये एक तरह से रिवाइव कर रहे हैं ओल्ड सिल्क रोड जो कि थी एज अ ट्रेड बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया। तो ये एक बड़ी मेजर सिल्क रोड था, सिल्क रोड था, इसको अब हम रिवाइव कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन हमने जो है वो कराकरम हाईवे की मदद से, चाइना की मदद से जो है वो उसको रिवाइव किया है, बाकी CPEC भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसी को रिवाइवल का हिस्सा है। इसके अलावा चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न ओल्ड सिल्क रोड के, ओल्ड सिल्क रोड के रूट्स को रिवाइव करने के ऊपर लगा है। तो फिर हम आ जाते हैं एक्सट्रीम ईस्ट की तरफ, लाहौर, ठीक है, लाहौर की जिक्र किया गया है, बिल्कुल, बहुत ही एंशियंट सिटी, बहुत ही मशहूर सिटी, बड़ा खूबसूरत सिटी, मुजद्दद अलफसानी, हजरत मुजद्दद अलफसानी जो के अकबर बादशाह के दौर की बात हो रही है, अकबर बादशाह के दौर की बात हो रही है, वो उन्होंने इसको कुतुब ऑफ सिटीज कहा था। अब जो सूफिया का ऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे रैंक होता है आर्मी के अंदर, एक होता है सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जनरल, फिर एंड पे जनरल आता है, इसी तरह से जो सबसे बड़ा रैंक होता है ना वो कुतुब होता है सूफिया के अंदर, तो मिस्टिक ऑर्डर जो है उन्होंने इसको कुतुब किया था, यानी कि शहरों का आप बादशाह समझ लें, जनरल समझ लें, सबसे अच्छा शहर दुनिया का। अब इसकी अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने जो आपको रूट बताया था, जितने भी लोगों का जिक्र किया था ना मैंने जो कि इन्वेडर्स यहाँ पर आए थे, सिर्फ अरब्स सक्सेसफुल हुए थे और मुगल्स सक्सेसफुल हुए थे इस, और अरब्स ने तो खैर वेस्टर्न सदर्न रूट अपनाया था, लेकिन मुगल्स ने ये तुरखम वाला किया था, तो उन्होंने इस्लामाबाद से जो है वो लाहौर, और लाहौर से दिल्ली, और उधर से चिटागोंग बांग्लादेश, और उधर जाना था, तो इंडिया को फतह करने का दौर था, ऐसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कर सका था, अगर सक्सेसफुली किसी ने पूरे इंडिया को फतह किया था तो वो या वो मुगल्स थे या फिर ब्रिटिश, इसके अलावा आज तक इंडिया को कोई फतह नहीं कर सका था। इसको कहते थे कि एक मिथ थी वेस्ट के अंदर के इंडिया को कोई फतह कर ही नहीं सकता, मतलब ये कि यहाँ के लोग इतने बहादुर और इतने रिसोर्सेज हैं, इधर किसे फतह नहीं कर सकता, लेकिन मुगल और ब्रिटिश ने जो है वो करके दिखाया, जिस तरह से भी करके दिखाया, अपना ऑर्डर उन्होंने एक्सपेंड किया। जी इसके अंदर जी हिस्ट्री पॉइंट, हिस्टोरिकल पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये हब रहा है हर आने वाले बादशाह का, बादशाही मॉस्क,
शाही किला, सारी देखने वाली चीजें हैं। और टॉम्स बादशाहों के, जैसे जहांगीर का और नूर जहां का। उसके अलावा रोड्स जो हैं वो, अगर हम इम्पीरियलिज्म की बात करें, इम्पीरियलिज्म जो कि कॉलोनियलिज्म या फिर ब्रिटिश के राज से रिलेटेड चीजें थी, तो उसकी अगर हम बात करें, ये आएंगी सारी चीजें। मैं ये सारा लिख रहा हूँ वेस्ट के अंदर, हालांकि ये सारी पंजाब के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर ये पंजाब एक सेपरेट से हेडिंग बनेगी, पंजाब। तो ये जी पंजाब के अंदर का होर सिटी आता है। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की बहुत सारी आपके अंदर एविडेंसेस मिलेंगी, ठीक है ना, एविडेंसेस मिलेंगी। वो एविडेंसेस जो हैं वो अब हमारा हेरिटेज बन गई हैं, ठीक है, जिसके अंदर चर्चेज हैं, जीसी यूनिवर्सिटी, जीसी कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज, वो जीसीयू बन गया, जीसी यूनिवर्सिटी बन गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बन गई है। उसके जो कि इसकी पुरानी बिल्डिंग्स, बड़े अच्छा ये एरिया है, इसके आसपास ही माल रोड के ऊपर है ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें, माल रोड एक बहुत बड़ी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की एग्जाम्पल है और उसकी एविडेंस है। चर्च है वहां पर सबसे पहले, जीसीयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के पुराने कैंपस है, जीसीबी उधर ही है, लाहौर म्यूजियम जो कि ओल्ड कैंपस के पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अपोजिट है। और फिर एक वहां पे चौक के अंदर, जिसे आजकल ये जमजमा, कैनन जमजमा उसे कहते हैं, एक गन लगी हुई है पुराने जमाने की ना, उसे कैनन जमजमा कहते हैं। वो गन, उसे किम्स गन भी कहा जाता है, और द किम्स गन, किम्स गन भी कहा जाता है। एक किपलिंग राइटर था, किपलिंग, ठीक है ना, किपलिंग जो था वो आर्कियोलॉजिस्ट कह लें या फिर एक हिस्टोरियन कह लें, राइटर कह लें, ठीक है, ये बंदा था। इसने इसको एक तरह से इमोर्टलाइज किया था वहां पर बना के। तो ये बड़ी खूबसूरत थी गन वहां पे लगी हुई थी, ये पुरानी सी, इर्द गिर्द कबूतरी कबूतर होते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। अपोजिट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके अपोजिट जो है वो आर्ट कॉलेज है, और साथ ही म्यूजियम, लाहौर म्यूजियम है जो कि एक बड़ी अच्छी चीज है। उसके थोड़ा सा आगे जाए माल के ऊपर ही जो है वो लाहौर जू भी आपको मिलेगा। 1884 में शायद ये बना था लाहौर जू, आई थिंक, चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये कि बहुत पुराना जू है। तो ये सारी जो है वो कॉलोनियल एविडेंस है जो कि इवेंचुअली आपको बताएं, पंजाब के अंदर ही रहते हैं। और चलते हैं जी हम हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा ये कौन सा एरिया है? देखो ये एंशियंट हड़प्पा है, ये आपकी बुक में सेपरेट जो है वो पूरा टॉपिक डिस्कस किया गया है, तो उसके अंदर बात करेंगे। फिलहाल मुल्तान जो कि पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है, लाहौर से हम चले हैं और नीचे जा रहे हैं। ये देखो लाहौर से चले हैं, ये पहले आ गया जी हड़प्पा, उकाड़ा से गुजरते हुए ये हड़प्पा आ गया, ठीक है। हड़प्पा से फिर हम चले हैं और मुल्तान आ गए हैं। ये देखो लाहौर, हड़प्पा और मुल्तान। तो मुल्तान के अंदर जो है वो चीजें, मुल्तान को कहा जाता है जी मदीना तुल ओलिया, यानी कि सिटी ऑफ द सेंट्स, ठीक है, सिटी ऑफ द सेंट्स। सिमिलरली बहावलपुर, भावलपुर ये मुल्तान से साउथ की तरफ, भावलपुर, जैसे मैंने कहा था कि अब यहाँ पर आपको जो है वो पीकॉक मिलेंगे, वो पी सिटी ऑफ द, जो एरिया ऑफ द पीकॉक है वहां पर तो नहीं मिलेंगे। नीचे आए तो मोहन जो दड़ो, मोहन जो दड़ो, हड़प्पा, ये सारी मतलब ये के डिफरेंट जगह हैं। तो सदरन मजीद साउथ की तरफ जाएं तो आपको मोइनजो दड़ो भी मिलेगा। ये देखो लड़काना के पास मोइनजो दड़ो आपको मिलेगा, मोइनजो दड़ो भी हमने ढूंढ लिया, देख लिया कि किधर है। फर्दर कराची की तरफ जाएं तो कराची पे जाना है तो फिर कराची भी जाते हैं। मोइनजो दड़ो किसके अंदर आएगा? आपका सिंध के अंदर आएगा। तो हमें मोइनजो दड़ो कहाँ पे लिखना चाहिए? सिंध के अंदर लिखना चाहिए। सिंध किधर गया? हाँ ये आ गया जी सिंध, ठीक है। तो मोइनजो दड़ो, अच्छा कराची की बात करें तो कराची में जो टूरिस्ट हैं वो कैमल राइड्स को बड़ा पसंद करते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ रहना फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कैमल राइड्स को जो है वो बड़ा लाइक करते हैं। इसके अलावा सिंध की दिशा से ठट्ठा और बम्बोरी वगैरह जो है ये बड़ा अच्छा। इसमें एक ये कि जो विंटर्स होते हैं ना उनमें लोग आते हैं, विंटर्स ब्रिंग पीपल टू कराची, लेकिन क्योंकि कराची का जो मौसम होता है वो तकरीबन सारा साल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, 6 से 8 डिग्री फ्लक्चुएट होता है, बाकी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो इस मामले में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब एक सेपरेट जो हम पढ़ते हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है ना, इस्लामाबाद की बात हो रही है। इसमें मार्गला हिल्स, इस्लामाबाद वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल और जो मॉडर्न कैपिटल्स हैं उनमें आता है, फैसल मोस्क, ठीक है, और इसके पार्क्स और इसकी खुली सड़कें और इसकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी एम्बेसीज हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ क्या कहते हैं, फेडरल सेंटर ऑफ जो है वो जिसे कहते हैं एक्सिक्यूशन, जो भी अथॉरिटी एक्सिक्यूट करनी है वो यहाँ से होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस मामले के अंदर इस्लामाबाद। तो जितना भी हमने अगर आज पढ़ा है, तो ये देखो मोहनजोदड़ो से हम दोबारा किधर चले गए हैं, ये इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद देखा हुआ है, ये देखो लाहौर से वेस्ट इस्लामाबाद और ये मार्गला हिल्स वगैरह इधर ही मौजूद है। तो अगर हम इस सारे को देखो तो एनालिसिस करें तो पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो रिच इन हिस्ट्री है। इसके अलावा जियोग्राफी पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त है, और जो लैंडस्केप एंड लैंडस्केप और लैंडस्केप जो है वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो पोटेंशियल तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है कि हम तो सिर्फ देखो 8 बिलियन यूएस
डॉलर कमा रहे हैं, हम इसको ज्यादा कमा सकते हैं। तो रिकमेंडेशन आप करेंगे कि जैसे आपने जो है वो बिल्ड किया है वादिये सून को, सिमिलरली आपको बाकी एरियाज भी और इस्लामाबाद को बिल्ड किया है, मार्गला हिल्स वगैरह। वहां पे इस्लामाबाद में होता क्या था, कुछ नहीं होता, बस मतलब पहाड़ी पहाड़ थे और जंगल था। लेकिन ये कि जनरल अयूब ने वहां पे इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया कराची को खत्म करके, क्योंकि ये कश्मीर के साथ था, पीछे कश्मीर वाली डिजायर थी कि हमने कश्मीर को हासिल करना है, और हमने जीरो से कैपिटल ग्रेजुअली बिल्ड किया, और बिल्ड ऐसे किया कि आज वो एक टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट लोग उसको पसंद करते, बहुत ज्यादा देखते हैं। जैसे हम इस्लामाबाद के वादिये सून जो है वो ग्रेजुअली डेवलप किए हैं, तो हमें चाहिए कि हम बाकी जो है वो एरियाज भी सिमिलरली उसको डेवलप करें। तो ये जी आपका कंक्लूजन आता है कि जी, मतलब ये कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ना, मैंने पेपर चेक किए हैं, मैं कभी डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन देखो एनालिसिस और कंक्लूजन की हेडिंग वो है वो छोटी सी जरूर दे दिया करें, दो तीन लाइनें लिखनी होती है, इसमें ज्यादा नहीं लिखनी होती। कंक्लूजन ये बनता है जी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और हम इसको यूज करके, तो जिस तरह से इंडिया फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि 350 बिलियन US डॉलर जो है वो अगर कमा रहा है, तो हम सिर्फ 8 बिलियन US डॉलर कमा रहे हैं, अमेरिका तकरीबन 750 बिलियन US डॉलर कमा रहा है। अब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर है, इतना तो इंडिया अपने टूरिज्म से कमा लेता है। तो कहने की बात यह है कि हम अपने टूरिज्म को, हमारे में पोटेंशियल ज्यादा है टूरिज्म को यूज करके, हमारे लोग ज्यादा अच्छे हैं, वराइटी है यहाँ पर जो है वो डाइवर्सिटी है, इसको यूज करें। तो मतलब हम 350 बिलियन डॉलर से 8 बिलियन US डॉलर बहुत थोड़े हैं, और इससे हम जो है वो अपने मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और इसको एज ए इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपके स्टार्ट में प्रूव किया। तो जो स्टार्ट पे हमने बातें की थी कल इंट्रोडक्शन में, वो आज हमने सारी विद ट्रू आर्गूमेंट्स और विद लॉजिकल डिस्कशन प्रूव किए हैं कि वाकई टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, और अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स उससे जनरेट कर सकते हैं। तो यही था जी आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जितनी भी प्लेसेस हैं ये भी पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और अगर और इन पे कैसे, बाकी अगर आप विजिट करना चाहें तो हमारे पास ये टूरिज्म से रिलेटेड गाइड मैप्स मौजूद हैं, ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये गाइड मैप जो है वो अगर आप कभी किसी इलाके में घूमना चाहें तो ये जरूर अपने साथ रखें, और ये कभी जब कहीं पे घूमने जाएं तो एक बात का ख्याल रखें कि वहां पे जगह को हाथ लगा के वापस ना आए, चाहे एक ही मकाम देख लें लेकिन वहां पे उस मकाम में 2-3 दिन जरूर ठहरें, और उसकी एनवायरनमेंट को, नेचर को, वेदर को, लोगों को, डाइवर्सिटी को एंजॉय करें। तो जी उम्मीद करता हूँ कि टूरिज्म से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें समझ कर लग गई होंगी। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर फिर कभी शुरू करेंगे। आपकी बुक में पेज नंबर इस चैप्टर के ऑनवर्ड्स जो है वो ढेर सारी जो नक्शे दिए गए हैं, जिसके अंदर मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेस, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रिवर्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेजर्ट एरियाज, ये सब कुछ मेंशन है। तो नेक्स्ट जो है वो यही चीजें इंट्रोड्यूस मैं आपको दोबारा से डिस्कस करूंगा, बहुत सारा इनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, मैंने इतने आपको नक्शे दिखा दिए हैं कि मुझे पता है कि आपको ये याद करना जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो आपकी कल की एक्सरसाइज है कि मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना ब्लैंक मैप सेंड करूंगा, और उस ब्लैंक मैप के ऊपर आपने प्रिंट आउट लेने हैं, या फिर एक पेज पर जितना जैसे भी आप पाकिस्तान का नक्शा ड्रॉ कर सकते हैं उसको ड्रॉ करें, और नेबर्स और प्रोवेंसेस, रिवर्स, एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल्स और डेजर्ट एरियाज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको मुझे वहां पर जैसे बुक के अंदर हाईलाइट की गई हैं आपने उस ब्लैंक मैप के ऊपर हाईलाइट करके दिखानी है। ये आपकी होमवर्क होगा जी कल की क्लास तक के लिए, जो है वो मुझे इजाजत दें और ये होमवर्क कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।